इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम के डुआ अचार की रेसिपी। जो तेल में डुआ हुआ अचार बनता है, इसकी रेसिपी अलग होती है। नॉर्मली जो हम आम का अचार बनाते हैं उससे अलग होती है, तो वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये अचार मैंने 1 किलो आम का बनाया हुआ है और मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक टिप्स, जिससे आपका आम का अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने पहले आम को अच्छे से धो के वॉश कर लिया था, कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था, ताकि बाहरी नमी हमारे आम के अचार में ना रहे। और मैं इस बका की सहायता से आम को काट लूँगी। फ्रेंड्स, यदि आपके आम बड़े हैं तो आप अपने हिसाब से उसमें से आम के पीस कर सकते हैं, छोटे या बड़े। और आम के जो गुठली होती हैं, अंदर जो बीज होते हैं, उनको हम निकाल देंगे, वरना हमारा आम का अचार कड़वा हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपके आम बहुत ज़्यादा बड़े हैं और इस तरह से बका से काटने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरह से आड़े रख कर के आम को भी काट सकते हैं। इस तरह से भी आम बहुत अच्छे से सरलता से कट जाते हैं, क्योंकि बड़ा आम होता है तो सीधा आम करके काटने में दिक्कत होती है। फ्रेंड्स, आप जब भी आम काटें पका से, तो आप थोड़ी सावधानी के साथ काटिएगा, वरना आपका हाथ भी कट सकता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ये सारे आम काट लिए हैं और इनकी गुठलियाँ भी निकाल दी हैं। और अब हम इन आम को चराएंगे नहीं, पहले हम इनको धूप में सुखाएंगे और एक पूरे दिन की धूप लगानी है। यदि आपके यहाँ धूप हल्की पड़ रही है और यदि धूप तेज है, तो आप 2-3 घंटे की धूप लगा लीजिएगा, इतनी धूप काफ़ी है। ज़्यादा हमें आमों को सुखाना नहीं है, थोड़ी सी इनकी जो अंदर नमी होती है आम के अंदर, बस उसे ही ख़त्म करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे आम सूख चुके हैं। अब हम आम का अचार डालने की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले मसाले लेंगे। मैं आप लोगों को मसाले दिखा देती हूँ, मैंने क्या क्या मसाले लिए हुए हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मेथी दाना, 4 टेबल स्पून मैंने लिया है सौंफ का दाना, और 4 टेबल स्पून लिया है मैंने सरसों राई, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कलौंजी, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जीरा। ये मैंने लिए हल्दी 3 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया हींग, और मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी नमक। जो नॉर्मली हमारी कटोरी होती है, वही कटोरी मैंने नमक लिया हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है तेल सरसों का। हमेशा जो अचार आप बनाएं, वो सरसों के तेल में ही बनाएं, अचार हमेशा सरसों के तेल में ही बनता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी सामग्री है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब हम सबसे पहले मसालों को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। सबसे पहले हम मेथी दाना डालेंगे और इसे हमें हल्का सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने से मेथी का जो कड़वापन है वो निकल जाता है, और वैसे भी मेथी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इधर मैंने दूसरी गैस पर तेल पकाने के लिए रख दिया है, हम तेल पका कर ही अचार में यूज करेंगे। तो अब हमारी मेथी रोस्ट हो चुकी है और इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे, और उसके बाद हम बाकी के सारे मसाले रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने फिर से कढ़ाई को चढ़ा दिया है गैस पर, और ये सारे मसाले हमें गैस की लो फ्लेम पर ही रोस्ट करने हैं। तेज गैस नहीं करनी है, वरना हमारे मसाले जल जाएंगे और नमी उनके अंदर रह जाएगी। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। और देखिएगा, मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, जीरा, राई, सौंफ, और इनको मैं एक साथ ही रोस्ट कर लूँगी। फ्रेंड्स, देखिए हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे भी मिक्सी के जार में डाल दूंगी, और बाद में हमें इन मसालों को दरदरा पीसना है, एकदम महीन पाउडर नहीं बनाना है। और इधर देखिएगा, आप मेरा तेल भी पक चुका है, जो हमने अचार के लिए रखा हुआ था। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसी कढ़ाई में हम कलौंजी डाल देंगे। इसके लिए मैंने गैस को जलाया नहीं है, गैस को ऑफ ही रखा है। हमें गर्म कढ़ाई में ही इस तरह से कलौंजी डाल के थोड़ी सी रोस्ट करनी है, गैस को जलाना नहीं है। फ्रेंड्स, अब इसी गरम कढ़ाई में हम हल्दी और मिर्च पाउडर भी डाल देंगे और इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर की भी जो नमी है वो निकल जाए। इसके लिए मैंने गैस को जलाया नहीं है, गरम कढ़ाई में ही इसको डाला है। अब हम इस गरम कढ़ाई में ही डाल देंगे हींग पाउडर और इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे।
और जिस बर्तन में हमने हल्दी मिर्ची को रखा है उसी में हम हींग को भी मिक्स कर देंगे और बाकी के मसालों को अब हम पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बाकी के मसालों को पीस लिया है, राई, जीरा, सौंफ और मेथी दाना। कलौंजी को हम नहीं पीसेंगे, कलौंजी को हम साबुत ही अचार में यूज करेंगे। और मैंने ये सारे मसाले अब अपने आम में डाल दिए हैं जो हमने सुखा कर रखे हुए थे, और ये हींग, मिर्ची और हल्दी पाउडर भी हम इसमें आम में इस तरह से डाल देंगे। चारों ओर बिखेर कर ही डालना है हमें। अब हम इसमें डाल देंगे कलौंजी और उसके बाद हम डालेंगे नमक अचार में। फ्रेंड्स, यदि आपको अचार में नमक कम लगे तो आप बाद में थोड़ा सा और यूज कर सकते हैं। और एक टिप्स आपके लिए ये है कि जब भी आप अचार डालें तो अचार में नमक थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, इससे आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, जो हमने तेल पकाकर रखा हुआ है अचार के लिए, वो हम ऐसे चारों तरफ फैला के डाल देंगे और उसके बाद में हम इसे अच्छे से चम्मच की सहायता से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक टिप्स आपको ये बताई थी, नमक ज़्यादा होना चाहिए अचार में। और एक टिप्स ये भी है, यदि आपको लगे हमारा अचार ख़राब हो सकता है तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका विनेगर डाल दीजिएगा, 2 से 4 चम्मच, जिससे आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। और आप अचार में तेल इतना डाल दीजिए ताकि आपका अचार तेल में डूबा रहे। यदि आपका अचार तेल में डूबा रहेगा तो भी इससे आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा, चाहे वो आम का अचार हो या फिर कोई भी तेल वाला अचार हो, तो आप उसमें ये टिप्स अपना सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो हम ये आम का अचार बना रहे हैं, ये आम का अचार तभी बनाया जाता है तेल का डूबा वाला, जब आम के अंदर जो हमारी लकड़ी होती है जिसे जाली बोलते हैं, वो अच्छे से पड़ जाए। और आपका ये अचार चाहे जितने भी साल रखा रहे, 5 साल, 10 साल, 8 साल, 2 साल, 1 साल, ये आपका आम का अचार कभी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप अचार डालने के बाद इसे 2-3 दिन इस तरह से धूप लगा लीजिएगा, जिस तरह से मैंने इस फैले हुए बर्तन में धूप लगाई है। उसके बाद आप कोई कांच का जार ले लीजिए, चाहे प्लास्टिक का जार ले लीजिएगा और चाहे चीनी मिट्टी का ले लीजिए, बस उसे अच्छे से धोकर साफ करके सुखा लीजिएगा। हो सके तो थोड़ा सा उस जार में धूप लगा लीजिए ताकि उसके अंदर कोई नमी ना रहे। उसके बाद आप अचार को जार में भरकर रख सकती हैं। और फ्रेंड्स, कभी भी गीले हाथ या गीला चम्मच अचार में मत डालिएगा, इससे भी अचार ख़राब हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा अचार कुछ इस तरह का हो चुका है, इसे 2 दिन हो गए हैं और इसमें देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये अचार की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने मेरे चैनल पूनम की आस्था को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।